जिस दिन हमारा मूड खराब होगा ना उस दिन ऐसी ऐसी गाली मिलेगा आप लोग को कि आप लोग सुधर जाओ। क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं, व्यूज के लिए क्यों कर रहे हैं आप लोग? जिसके ऊपर बनाना है तो सही बनाइए और न मत बनाइए। तो दोस्तों नमस्कार, और आप लोग समझ सकते हैं मतलब क्या आप लोग से मतलब नमस्कार करें, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग मतलब अफवाह वीडियो बना रहे हैं, इसके याद में क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग तो वीडियो देखे हैं हमारे, जिनका के पापा भैया के लिए बहुत रो रहे हैं, बहुत हद से ज़्यादा रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं दोस्तों? वीडियो भी देख रहे हैं आप उनका, मतलब वो भाई इसलिए रो रहे हैं कि हम लोग में झगड़ा होता था तो भैया जी समझाते थे। पता नहीं इस टाइम भैया कहाँ हैं, किस हाल में है, क्या कुछ पता नहीं चल रहा है दोस्तों। और आप लोग ये बना रहे हैं कि कुछ लोग भाई लोग सोचेंगे कि रो रहे हैं याद आ रही है, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि नौटंकी कर रहे हैं। जैसे आज गोरखपुरिया भाभी को लोग बोल रहे हैं कि ये भाभी नौटंकी कर रही हैं, ये कर रही हैं, फलाना ढिंका कर रही हैं, तो ऐसे विष्णु भैया को भी बोलेंगे हमारे कि ये भी नौटंकी कर रहा है। अब बताइए आप। नहीं दोस्तों देखिए, हम तो एक बात यही आपसे कहना चाहते हैं, हम लोग क्यों रोएंगे भला बताइए, हम लोग क्यों रोएंगे? लेकिन तो हाँ, जिस इंसान से मतलब प्रेम व्यवहार हो जाता है, मतलब हम लोग उनको अपना भैया मानते थे, भाभी जी को अपनी बहन में मानती थी, हम उनको अपने बहन की तरफ से देखती थी, मतलब तो देखिए कुछ ना वो हमारे बहन नहीं, देखिए भाभी पर क्या जो करें? लोग मानते होंगे गोरखपुरिया भाभी को और विष्णु भैया को और हम सबको, हमारी यूट्यूब फैमिली को, वो लोग तो मानेंगे, वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग जरूर कहेंगे कि अफवाह, ये भी नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, रोता इंसान के लिए वही रोता है जो मतलब ज़्यादा क्लोज रहता है और जो जिसको ज़्यादा मानता है। तो भाई हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली में कोई दिक्कत हो तो कष्ट तो होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, ठीक है? तो और देखिए, हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे क्यों बोले हैं कि मतलब अफवाह लोग बोलेंगे। अभी दिखा रहे हैं आप सबको, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, गोरखपुरिया भौजी के घर के पीछे मिला उनके पति का लाश। अब बताइए, और ये किसका वीडियो है? ये थंबनेल है जिनका के पापा का, और ये है थंबनेल विष्णु भैया का हमारे, जो सैड सॉन्ग हुआ था। अब बताइए, यदि विष्णु, यदि महादेव जी का लाश भाभी के घर के पीछे मिला होता तो क्या भाभी जी अपने चैनल पे वीडियो नहीं डालती या वो बताती नहीं? आप ही लोग कमेंट करके बताइए। और दूसरा सुनिए, फालतू में बना रहे हैं इन लोग को, और दूसरा सुनिए, दिया नहीं ये देखिए, गोरखप्रिया भौजी के पति का लाश मिला लंदन में। अब बताइए, लंदन में बताइए, लंदन कहाँ? लंदन में लिखा हुआ, लंदन में विदेश है, ठीक है? अब क्या आप लोग बताइए, गोरखप्रिया भाभी के हस्बैंड जो है महादेव जी, जो हमारे बड़े भैया है, क्या वो बिना पासपोर्ट वीजा के लंदन पहुंच गए? बताइए, भी तो आप बता सकते हैं, पूछिए भाभी। तो आप लोग तो ये भी बता सकते हैं कि बिना पासपोर्ट के, बिना उसके, वो तो जा नहीं सकते हैं वहाँ, बिना पासपोर्ट वीजा के पहुंच गए हैं भाई। देखिए, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, व्यूज के लिए क्यों कर रहे हैं आप लोग? जिसके ऊपर बनाना है तो सही बनाइए और न मत बनाइए। और जिस दिन हमारा मूड खराब होगा ना उस दिन ऐसी ऐसी गाली मिलेगा आप लोग को कि आप लोग सुधर जाओ। अभी कुछ दिन ठीक से बता रही हूँ कि सुधर जाओ तुम लोग। क्या बताएं, इतना गलत गलत वीडियो बनाकर क्या मिल रहा है तुम लोग को? तुम्हारे घर नहीं होता होगा ऐसा, नहीं होता होगा, इसीलिए भगवान करे, भगवान करे कि जो गलत वीडियो बनाए उनके घर पे हो जाए। कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। सब चैनल का नाम है लेकिन तो हम चैनल का नाम बता नहीं सकते हैं क्योंकि उनका प्रमोट होगा, बस इसीलिए हम इसीलिए नाम नहीं बता सकते हैं। लेकिन तो आप थंबनेल में देख सकते हैं कौन कौन डाल रहा है, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ दोस्तों, हम दिखा रहे हैं आप सबको। क्या दिखाएं, क्या बताएं? अभी देखिए यहाँ पे, भौजी झंड है फिर भी घमंड है, ये तो बहुत ही कुत्ता है, हराम कट्टा। अरे हमें मिल जाता था हमके फूक देती माचिस की तिल्ली लगा के, जगह के पेट्रोल पूरा के। अभी हमारे विष्णु भैया के ऊपर भी बनेगा वीडियो कि विष्णु भैया विष्णु नाटक कर रहा है, ठीक है? तो लोग बनाएंगे, अगर कमेंट आया गलत गलत है फिर समझ लीजिए, कमेंट आया दी वीडियो हम लोग के खिलाफ आया, हम लोग के वीडियो से, हम लोग के वीडियो से कोई क्लिप लेके कुछ किया तो उसके बाद वो भी जानेगा, सही है ना? दिक्कत होगा, दिखावा कर रहे हैं लोग, जिनके घर है वो पूछिए जाकर कि दिखावा कर रहे हैं कि असली, जाकर देख लो एक बार।
जिनके घर होता वही जानता है, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, नहीं तो आज इनके साथ हो रहा है कल किसी और के साथ होगा, आप लोग के भी साथ हो जाएगा ऐसा, तो आप लोग ऐसा मत करिए। जितना हो सके खुजवाइए, असली वीडियो बनाइए ताकि मिल जाए। ऐसा वीडियो बनाना चाहिए कि वो देखे तो उनको तसल्ली मिले, ऐसा वीडियो आप लोग को बनाना चाहिए। जिसके दिल में दया रहेगा वही करेगा ऐसा। बहुत से लोग हैं अच्छी वीडियो बना रहे हैं और खोजने के लिए भाभी का हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं केवल मजे ले रहे हैं, तो आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए और भाभी का सपोर्ट करिए। जिनके पास जो भी उपाय है, हर उपाय बताइए, भाभी से संपर्क करिए। यदि नहीं संपर्क हो पा रहा तो हमारे नंबर पे कॉल करिए, हम भाभी तक पहुंचाएंगे। आप लोग को नहीं खोजना है तो मत खोजिए, लेकिन तो ऐसा वीडियो मत बनाइए। यही हम लोग आप लोग से कहना चाहते थे कि आप लोग को खोजना है तो खोजिए, और नहीं खोजना आप लोग इतना है, अगर मतलब कुछ भी हो जाता तो आप लोग बता नहीं सकते हैं। छोड़िए जाने दीजिए, छूट झूठ वीडियो बना के व्यूज कमा रहे हैं। छोड़िए जाने दीजिए, ये बताइए कि विष्णु भैया दूसरों को बोलेंगे कि ये व्यूज के लिए कर रही है, व्यूज के लिए कर रही है, तो उनके चैनल पे भगवान करे जो गलत वीडियो बनाए सबके ऊपर ऐसा पड़े, ठीक है। और ये बताइए मतलब विष्णु भैया के ऊपर कोई गलत वीडियो बनाएगा उसके लिए क्या कहना चाहती हो? जो वीडियो हमारे चैनल पे हमारे जिनका के पापा बनाए हैं तो उसको आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा, वरना फिर सुबह के वीडियो में आप लोग जो सुनेंगे उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो केवल गलत वीडियो बना रहे उनके लिए बोल रहे हैं और कमेंट करने वाले के बोल रहे हैं। बस दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।